अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं तो ये देखो भाई, उस टाइम पे कीलेस एंट्री आती है, आप इसको दबाओ डोर खुल जाएंगे। सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, लोगो देख लो भाई, लोगो दिख गया, दिख गया। अब गाड़ी भी दिखा देते हैं, ये देख लो। टुडे वी हैव आवर निसान सनी, ठीक है। नंबर पहले तो दिखाऊं तो भाई 9888। बहुत लोगों को जो हाई एंड के नंबर होते हैं ना, लाइक 999888। भाई ये टेट वेट का नंबर तो नहीं है? हाँ, 888 ट्रिपल एट एंड्रयू टेट का नंबर है क्या? तो भाई ओटीपी चला दीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं निसान सनी के बारे में, कि अगर मान लो आप ऑल्टो देखने जा रहे हो ना, एकदम मिडिल क्लास हो भाई जैसे आप। हाँ जी भाई, मिडिल क्लास से भी नीचे है। तो हाँ, तो स्पेशली उन्हीं के लिए आया है एक्चुअली। तो मान लो अगर आप ऑल्टो देखने जा रहे हो, यून देखने जा रहे हो, i10 देखने जा रहे हो, i10 कोई सी भी ले लो, ठीक है। शिफ्ट भाई आजकल महंगी है, वो महंगी है। हाँ, शिफ्ट गुंडों की गाड़ी है, पता नहीं है क्या तुम्हें? सॉरी भाई, शिफ्ट खतरनाक गाड़ी है, शिफ्ट महंगी है। शिफ्ट 4.5 लाख की, i10 2.5 लाख की है। तो उसी रेंज में ये गाड़ी है। अगर आपको मतलब ऐसा चाहिए, पैसों का पूरा निचोड़ चाहिए। हाँ जी, कि भाई मैंने 2 लाख डाले तो मेरे को पूरा इसका एकदम निचोड़ दूंगा मैं। हाँ जी, दो के मैं 3 कवर करूंगा। तो वैसी गाड़ी है आज ये। तो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस, और अगर पावर के फिगर्स बता दिए जाए तो भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। 100 BHP निकालती है। तो एक्सटीरियर से शुरू कर देते हैं, आज इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे कि अगर आप लोग इसको देख रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आपका सेकेंड हैंड मार्केट में आप कार सर्च कर रहे हो, और अगर आपका बजट है 2.5 से 3, 3 से 4 लाख, ठीक है, तो ये गाड़ी कहाँ स्टैंड करती है, क्या ये गाड़ी लेना वर्थ बाइंग है नहीं है, और क्या ये आपके पैसों का निचोड़ होगा। हालांकि हमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रो में ही बता दिया है, बट कोई नहीं, तभी आप लोग टिकोगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले एक्सटीरियर की बात कर ली है, तो यहाँ पे निसान का पहले हम की दिखा देते हैं। तो यार ये हमारी की, यहाँ पे अनलॉक लॉक और बूट ओपनर है इसकी उस टाइम पे ना। तो मैं एक बार इसका मॉडल बता देता हूँ। तो ये है निसान सनी 2012 का मॉडल, 2012 उस टाइम पे इस पर बूट ओपनर आता था, जो सियाज और अदर कार्स अभी ऑफर कर रही है 2016-17 में, राइट। तो भाई आप समझ सकते हो उस टाइम पे क्या बढ़िया गाड़ी थी। उस टाइम पे काफ़ी लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी थी, बट आज वही है बिकॉज थोड़ी सी डिमांड भी नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया ना कि ये छुप गई है, अंडररेट हो गई है। तो उस वजह से इस गाड़ी का है। तो एक फीचर तो ये बता दिया, इसको दबा रखोगे बूट खुल जाएगा। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, तो भाई इसका जो इंजन है 1.5 लीटर का इंजन आता है, और ये जो है ना XV वेरिएंट है ये, और ये 1.5 लीटर इंजन के साथ आते हैं। 100 BHP निकालती है, तो पावर की आपको कमी महसूस नहीं होगी। और पावर फिगर्स जानने हैं, फैक्ट्स जानने हैं, तो यहाँ मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा, आप वो देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब एक्सटीरियर को कवर करते हैं। तो एक्सटीरियर के अंदर ये सब गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ ग्रिल लगी है, वो लगी है, आप निसान का लोगो दिखा दो। बाकी तो ऑब्वियसली फ्रंट सेक्शन सबको पता ही है इसका। तो फ्रंट ऑब्वियसली पता है, पुरानी गाड़ी तो हैलोजन आता है, कोई LED सेटअप नहीं देखने को मिलते। अब मैं XV वेरिएंट के बारे में बताना चाहता हूँ, ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। इसके अंदर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे चेक करो, ये आपको एलोए भी देखने को मिल जाएंगे, और ये है 15 इंची के एलोए, ठीक है, 15 इंची दे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 185/65R15, तो 15 इंची के एलोए हैं। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, तो ये 2022 के अकॉर्डिंग ये गाड़ी अराउंड 10-11 साल पुरानी है, बट स्टिल अगर इसकी कंडीशन देखोगे ना, तो भाई व्हील पे ही दिखाओ, अगर हम 2014-15 मॉडल देखते हैं, तो व्हील पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच और पेंट उखड़ रहा है, सिरेमिक कोटिंग मतलब जो भी है, व्हील एंड टीयर के निशान दिख जाते हैं, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला मार्क इसमें हम ये डालेंगे कि भाई गाड़ी काफ़ी रिलायबल है। लोगों को लगता है कि भाई निसान जो है कि यार कहीं ना कहीं अनट्रस्टेड ब्रांड है,
कभी है कभी नहीं है, मतलब आज है कल को नहीं है ऐसा पता चलता है, बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। इवन इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस देखते हैं अब, तो भाई ग्राउंड क्लीयरेंस देखो, मतलब देखो मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, बट स्टिल 175 के राउंड है, वो मैं यहाँ लिस्ट कर दूंगा आप चेक कर लेना। बट स्टिल आप देखोगे ना तो सेडान की ग्राउंड क्लीयरेंस लगी नहीं थी, मतलब लग रहा है एसयूवी की ग्राउंड क्लीयरेंस है, तो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस है, पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा। दूसरी बात, लंबी बहुत है, तो यार आप इसका अगर विड्थ देखोगे ना, वो मैं डाल दूंगा, आप एक बार दिखाई दो, तो भाई गाड़ी की विड्थ देखो, मतलब बहुत लंबी है भाई, अगर वहाँ पे देखो ना तो 1, 2, 3 और ये 4, मतलब चौथी आधी, मतलब 3 गाड़ी की पूरी इसने स्पेस कवर कर लिया, इतनी लंबी है। पीछे आपको ड्रम मिलता है, वो सब कॉमन सी बात है। अब हम इसका मेन हाईलाइट दिखाते हैं, वो है बूट ओपनर, दबाए रखा खुल गया, हाइड्रोलिक्स नहीं है क्योंकि 2012 की बात है तो यार इतना कुछ इशू नहीं आता, बट स्टिल देखो भाई बहुत मैसिव बूट है, 291 लीटर्स का इसके अंदर बूट स्पेस आता है, मतलब लिटरली यार सच्ची में, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल कार है ये, हंसी मजाक से मतलब जोक्स अपार्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप 3 लाख के अंदर कोई दूसरी गाड़ी देख रहे हो भाई, ये चेक करो सनी एक्सवी वेरिएंट। थोड़ा सा एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं, तो यार यहाँ पे आपको सनी, पीछे आपको निशान की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, देन वी हैव एक्सवी वेरिएंट। थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाते हैं, तो भाई पीछे का एक बार लुक देखो, तो लुक के अंदर मैं कहूँगा यार, लुक सबके ना अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं, तो लुक कहीं ना कहीं आपकी पसंद है, अच्छे लगे नहीं लगे, बट ओवरऑल जो है ना जनरल पब्लिक को मैं बताऊँ तो डिसेंट लुक है काफ़ी, मतलब जिसको एकदम सिंपल सोबर रहना पसंद है उसको गाड़ी पसंद आई है ये। अब हमने बाहर की तो बात बहुत कर ली, एक और चीज़ दिखाते हैं, अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं तो ये देखो भाई, उस टाइम पे कीलेस एंट्री आती है, आप इसको दबाओ डोर खुल जाएंगे, मतलब 2012 की बात है, तो स्टिल मतलब अगर आप कह रहे हो कि यार 2012 की गाड़ी दे रहे हो, बहुत पुरानी गाड़ी है, अगर हम फीचर आज की गाड़ी से भी कंपेयर करें ना, तो आप 3 लाख 3.5 लाख की गाड़ी कहीं भी देख लो, 4 लाख की देख लो, 5 में तो मे भी आ सकते हैं, पर 3, 3.5 या 2 से मैं 4 लाख के बीच में बोलूँगा, मिस आउट करती है बहुत सारी गाड़ी अभी भी ये सब फीचर्स। अब अगर हम अंदर की बात कर ले, तो भाई अंदर से स्पेस देखो, मैं यहाँ पे अपनी गोद में 2 बंदे और बिठा सकता हूँ, गलत नहीं लेना इसको, ठीक है, बट स्टिल यार मतलब क्या बताऊँ, अब मैंने आगे की सीट अपने हिसाब से कर रखी है, अब देख लो कितना है, माइंड मत करना, तुम्हारा भाई पजामे में ही आ गया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे शूट करे। अब मैं पीछे की स्पेस दिखाता हूँ, आएगी देखी एक बार, वैसे ही दिखा दो भाई, स्टिल पीछे मतलब अभी आपको कैमरे में जस्टिफाई नहीं होगा, बट अब मैं दिखाता हूँ, अभी भाई पीछे देखो भाई, मतलब जब मैं पहली बार बैठा था तो मैं शौक था एकदम कि ये है तो गाड़ी 3 रो वाली, जैसे इनोवा है फर्स्ट सेगमेंट, फिर बीच में एक, फिर डिग्गी एक, तो ऐसा ही है इसमें, पर बीच का जो स्पेस है ना एकदम हटा दिया है, वो स्पेस दोनों फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में बांट दिए गए, मतलब स्पेस के मामले में अगर आप स्पेस ओरिएंटेड हो कि भाई मेरे को गाड़ी में स्पेस चाहिए ही चाहिए, भाई जैसे बहुत सारे ओल्ड एज लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी कम्फर्ट और स्पेस चाहिए होती है कि भाई कहीं जाना है, आप समझ सकते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट कार ले जाओ, मस्ट वन ऑफ द बेस्ट कार मैं कहूँगा, इससे बढ़िया स्पेस और किसी सेडान में अभी अभी तो नहीं मिलेगा, सिटी भी देख लोगे तो मैं कहूँगा स्पेस आपको उसमें मिलेगा, आई एग्री कि उसके अंदर स्पेस है, वरना के अंदर स्पेस नहीं है, उसके अंदर स्पेस है, बट इसके अंदर उससे भी ज़्यादा स्पेस है, तो स्पेस के मामले में मैं इसको मतलब 10 out of 10 दूंगा। दूसरी बात आ रही थी कम्फर्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे ना, सीट चेक करो, इसका जो ओवरऑल लेंथ है ना इस सीट की, तो ये थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा देता है, तो थाई सपोर्ट हो गया, और ये देखो प्रॉपर ग्रिपिंग है, तो कम्फर्ट स्पेस अनबीटेबल। आप कोई भी गाड़ी ले लो, मैं कम्पीट नहीं करूँगा, बट स्टिल बहुत लोग कहते हैं ना कि आजकल की जनरेशन की जो कार है वो देखो, बॉडी हमारे पास होंडा सिटी है, उसकी लेंथ चेक कर लो और इसकी लेंथ चेक कर लो, विनर निशान सनी इज़ द विनर, स्पेस निशान सनी इज़ द विनर, बट वही है वो होंडा है। एक्सटीरियर पे काफ़ी बात हो गई है, यहाँ पे डोर हैंडल देखो कितने यूनिक दे रखा है, मतलब आई होप कि भाई जैसे आपने तो पहली बार ही देखा हुआ है, क्या है वही कह रहा हूँ, काफ़ी यूनिक है, और 10 साल बाद ऐसी भी नहीं कि भाई क्रोम डल पड़ गया, देखो मतलब है अगर जैसे शिफ्ट विफ्ट जैसी गाड़ी है
तो उसमें ऐसी चीज 2 साल में ही हो जाती है तो भाई मतलब लिटरली। और ये भी देखो स्पेस भी अच्छा खासा है, डोर भी ना काफी लंबे हैं भाई, काफी लंबे और ओपन भी काफी होते हैं, मतलब एरीनेस महसूस होती है, मतलब आपको खुला खुला महसूस होगा इस गाड़ी में। स्पेस की तो मत ही बोलो भाई, मैं तो स्पेस का दीवाना हो गया इसमें। ओल्टो ओल्टो तो ऐसी 3 से मजा आएगी इसमें, ये थोड़ी सी कम है मैं आई एग्री, बट स्टिल आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है, फोन वोन रखना है तो है। और उसके बाद आपको एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं उस टाइम पे जब सेफ्टी इतना प्रायोरिटी नहीं होती थी, जब गाड़ी को दिखावा और गाड़ी का लुक हो गया है और फीचर हो गए वो प्रायोरिटी होती थी, उस टाइम भी निसान ने सेफ्टी दिया है। इसके अंदर एयर बैग आते हैं 2 है, ठीक है, वो तो आप यार चेक कर सकते हो कितने एयर बैग है क्या चीज़ है। मैं मेन बात बता देता हूँ अब आपकी, आप इसका एक बार इंटीरियर चेक करो तो कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है थोड़ा सा ऑड फील होता है, जैसे ये गोल गोल है ठीक है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार हाँ थोड़ा सा अजीब है, बट स्टिल आप एक दो बार बैठोगे तो यूज टू हो जाओगे। तो जैसे निसान का लोगो देखो, स्टीयरिंग देखो, SRS एयरबैग की यहाँ बैचिंग देखने को मिल जाएगी, यहीं पे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे वॉल्यूम के, ठीक है, स्किप के और नेविगेटर और सोर्स। तो भाई मतलब है, गाड़ी है पुरानी बट स्टिल इट होल्ड इट्स चार्म। तो यार अगर हम बात करिए देखो इंटीरियर एक्सटीरियर में ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा बिकॉज थोड़ी चेंजेज आती है, तो भाई देखो लिटरली मैं बताऊँ, जैसे भाई ये अभी बैठा था अभी तो क्या कह रहा, इतनी में तो वहीं 4-3 गाड़ी कवर हो जाएगी, क्रिकेट खेल लेंगे हम, इतना स्पेस था मतलब। तो स्पेस इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, आँख बंद करके ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट ऐसा नहीं कि हाँ एकदम ही मतलब ट्रस्ट वर्दी नहीं है गाड़ी, बट स्टिल अभी भी है या निशान है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, गाड़ी बेच रही है, मैग्नाइट आ गई, मतलब है, पार्ट वार्ट में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, डिपेंड ऑन एरिया आप किस एरिया में रहते हैं उसमें थोड़ी बहुत हो सकती है, बट इतना मेजर इशू नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। दूसरा अगर आप गाड़ी को हाईवे पे चलाओगे तो आपको पावर की इतनी कमी नहीं महसूस होगी कि भाई यार मैं तो बहुत ही लैग कर रहा हूँ, थोड़ा सा गेयरबॉक्स का है अच्छाइयों के साथ थोड़ी थोड़ी कमियाँ आती है, बट वो वही अगर आपने गाड़ी अच्छी मेंटेन कर रखी है तो गेयरबॉक्स मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इस जब मैंने चलाई थी तो थोड़ा सा मुझे लगा था, बस दैट्स ऑल, ठीक है। और अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट दूँ तो मुझे इसके प्रोज ना बहुत ज़्यादा लगते हैं रैदर देन कॉन, तो कॉन इसके 2-4 है तो प्रोज इसके 10-20 है, 10-12 है, तो विच मीन्स कि भाई ये गाड़ी अभी भी वन ऑफ द बेस्ट कार इन द सेगमेंट है, इन द सेगमेंट ऑफ व्हाट प्राइस रेंज 3 लाख के अंदर आप ये ढूंढ रहे हो तो भाई आंख बंद करके ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपके पास लंबी गाड़ी रखने की स्पेस है ये पहले देख लेना। तो ये मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट कार है अगर 3 लाख की रेंज में देख रहे हो। सेकेंड हैंड मार्केट की बात कर लूँ तो यार ये है 2012 का वेरियंट, टॉप वेरियंट है, उस टाइम आता था अराउंड 10 लाख का, ठीक है, 9 से 10 लाख का आता था, आप रिसर्च कर सकते हो कि उस टाइम कितना का आता था, बट स्टिल आज वो मायने नहीं रखता कि उस टाइम कितने का आता था, आज की जो उसकी डिमांड है ना, अगर आप 2012 से 14 का मॉडल लोगे तो आपको 3 से 3.5 के अंदर आ जाना चाहिए आसानी से। ये मैं नेगोशिएशन के बाद बता रहा हूँ, ये हम यहाँ पे 3-10, 3-15 की ऑफर कर रहे हैं, आफ्टर ऑल डिस्काउंट ये आपको 3 लाख रुपये तक की मिल जाएगी। 2012 वेरियंट अभी भी आपके पास इसके 4 या 5 साल बचते हैं, ठीक है, तो 5 साल के अंदर अगर आपको 3 लाख के अंदर ये चीज़ मिल रही है तो भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है बहुत ही वर्थ बाइंग है, ठीक है। तो ओवरऑल आई गेस की सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, मेरे हिसाब से वर्थ बाइंग डील है। बाकी आपके जो भी कमेंट्स लगता है कि भाई आपने अगर आपका कुछ है ओपिनियन तो मुझे कमेंट में मेंशन करो, आपके पास निशान सनी है तो इसके प्रोज कॉन्स बताओगे, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, वर्थ बाइंग है नहीं है, सो दैट अपनी ऑडियंस को एक और ब्रॉडर विजन मिले और सब्सक्राइबर्स का खरीद हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।